इंदौर के संगम नगर विद्युत वितरण जोन पर दलालों की दादागिरी बढ़ती ही जा रही है। जब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उन्हें डरा धमका के चुप करा दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला शनिवार शाम को सामने आया जब इस क्षेत्र में रहने वाले विनोद यादव विद्युत वितरण कंपनी के जोन पर गए, जहां पर अधिकारियों द्वारा उनसे जानकारी मांगने पर मारपीट पर उतर आए। इसके बाद जब कंपनी के कर्मचारी थाने पर शिकायत दर्ज करवाने गए तो वहां पर तैनात संतरी विपिन राठौर ने भी कंपनी के अधिकारियों से अभद्रता की, साथ ही मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से भी रोक दिया गया। नहीं, आए दिन जोन पे गाली गलौज करते हैं और उसके बावजूद कल के दिन शाम को 4 बजे करीब आए और वहाँ पर आके उन्होंने गाली गलौज करी। और किन लोगों ने ये गाली गलौज करी और किस बात को लेकर करी? विनोद यादव जी ने करी है। वो आए थे बात उसमें सर से बात करने, फिर उसमें सर ने कुछ मना ना करा, उसके बाद में इनने बताना गाली बकी। माँ बहन की इधर लेडीज फोन बैठी थी, लेडीज फोन के सामने भी गाली बकी। मैंने बोला गाली मत बको तो उनने फिर हाथ उठाया मेरे पे। अब क्या करने वाले हो आप इसके खिलाफ? क्या शिकायत करोगे थाने पर? FIR दर्ज कराऊंगा मैं। अच्छा, आए दिन का काम है इनका रोज।